हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं क्योंकि आज के वीडियो है एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन के ऊपर। अब आईफोन के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कम से कम 4 से 5 सालों का है और इस टाइम में मुझे क्या क्या अच्छी बातें देखने को मिली आईफोन के अंदर और क्या क्या ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी जिसके बाद मुझे रिसेंटली एंड्रॉइड में स्विच करना पड़ा, वो सारी बातें आपसे इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आईफोन यूजर है, रिसेंटली आपने कोई भी आईफोन परचेस करा है या फिर इस टाइम पे कोई भी आईफोन प्लान कर रहे हैं परचेस करने का, तो ये वाली वीडियो आप सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि ये वाली वीडियो मैं एज अ सीरीज आप सभी लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है एज अ फर्स्ट टाइम आईफोन यूजर, और अगर आपके इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो क्या क्या पॉजिटिव हमें आईफोन के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि एंड्रॉइड से काफी ज्यादा ऊपर है, तो वो भी आप सभी लोगों से आने वाली वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित, वेलकम टू माई चैनल जिसमें हम करते हैं प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट रिव्यू एंड टेक टॉक्स। अगर आप भी इंटरेस्टेड है इन सब चीजों में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इस टाइम पर जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर गोल चल रहा है वो सबसे बड़ा गोल है हमारे चैनल का, वो है 10K सब्सक्राइबर्स का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करके जाना और हो सके तो इसे एंड तक देखना। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को सबसे पहली प्रॉब्लम के साथ जो कि आप सभी लोगों को फेस करनी पड़ सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम आईफोन यूजर हैं। तो अगर आप कोई भी फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, ज्यादातर हम क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो या फिर कोई अदर फाइल हो, और उसको अब आप एक्सेस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली अपने आईफोन के अंदर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको उन फाइलों को देखना है तो उसी ब्राउजर की हेल्प से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं जिसके थ्रू आपने उनको डाउनलोड करा था। मतलब अगर आपने कोई मूवी फोन में डाउनलोड करी है, उसे एंजॉय करना चाहते हैं अपने लोकल प्लेयर के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको जो मूवी है वो क्रोम के ब्राउजर के अंदर ही उसको देखनी पड़ेगी या फिर कोई अदर ब्राउजर जो आप लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी क्योंकि जो मैं म्यूजिक है काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे सुनना, और अगर मैं कोई लोकल लैंग्वेज का म्यूजिक सुनना चाहता हूँ जो कि किसी भी ऐप पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे काफी बड़ी दिक्कत थी क्योंकि उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर अगर आपको अपने लोकल प्लेयर के अंदर उसे सुनना है तो फिर आपको iTunes की हेल्प से जो है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये वाला प्रोसेस भी काफी ज्यादा लंबा है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में अगर हम बात करें तो ये वाली प्रॉब्लम भी काफी बड़ी हमें आईफोन के अंदर देखने को मिलती है। अब जो लोग एंड्रॉइड से आईफोन के अंदर स्विच करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी अभी रिसेंटली स्विच किया है उन्होंने, तो काफी बड़ा झटका आप सभी लोगों को लग सकता है ये सुन के कि आपको आईफोन के अंदर कोई भी फाइल मैनेजर या फिर फाइल एक्सप्लोरर देखने को नहीं मिलता है। और ये वाली ऐप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड्रॉइड के अंदर। मतलब अगर आपको कोई फाइल सर्च करनी हो, कोई मूव करनी हो, कॉपी करनी हो, उसकी डुप्लीकेट फाइल बना के कहीं और स्टोर करनी हो किसी और लोकेशन पे, ऑडियोस फाइल, वीडियो फाइल आपके डिवाइसेस के अंदर कितनी है, ढेर सारे फीचर्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। कोई आपको फाइल एक्सट्रैक्ट करनी हो वो भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इमेजेस वगैरह देखने चाहते हो या फिर लार्ज फाइल, कौन सी आपकी स्टोरेज कितना आपका यूज कर रही है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें फाइल एक्सप्लोरर के अंदर देखने को मिल जाती है। और मैं कोई डिवाइस इमेजिन भी नहीं कर सकता बिना फाइल एक्सप्लोरर के लिए। तो जब मैंने आईफोन के अंदर स्विच करा था तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इन 4 से 5 सालों पे हमेशा जो फाइल एक्सप्लोरर की थी हमेशा मुझे उसकी याद आती रहती थी। तो अगर आप स्विच कर रहे हैं तो आप अगर ये एक्शंस परफॉर्म करते हैं एंड्रॉइड के अंदर, तो आईफोन के अंदर आप इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल भूल जाइए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमें देखने को मिलती है आईफोन ऐप्स के अंदर। आईफोन की जो ऐप्स रहती है जनरली साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहती है, और अगर आप सेम ऐप को कंपेयर करते हैं किसी भी एंड्रॉइड ऐप के साथ तो यहाँ पर जो साइज 3 से 4 times तक ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है आईफोन ऐप्स का। और यही रीजन है कि आपका सेम स्टोरेज का आईफोन जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है अगर इसको कंपेयर करते हैं किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस से। और इसके साथ साथ आपकी जो डेटा यूज करने की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होने लगती है। पहले आप बड़ी साइज की ऐप अपने आईफोन के अंदर डाउनलोड करेंगे और हर हफ्ते उसकी कोई ना कोई अपडेट आती रहेगी, तो यहाँ पे आपका जो डेटा कंजप्शन है वो ज्यादा होगा। तो अगर आप वाईफाई यूज नहीं करते हैं तो आपका जो प्लान है आप जो इस टाइम पे यूज कर रहे हैं वो हो सकता है आईफोन यूज करने के बाद आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़े। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वाली प्रॉब्लम आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके काफी ज्यादा काम आ सकती है। क्योंकि अब मैं शेयर करने वाला हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एप्पल के सर्विस सेंटर के साथ। तो आप सभी लोगों को पता होगा एप्पल के ऑफिशियल सर्विस सेंटर इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। जितने सर्विस सेंटर आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे थर्ड पार्टी बेस्ड हैं और उनको कस्टमर से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। पर अब अपना एक्सपीरियंस सर्विस सेंटर के साथ आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। तो मेरा फोन एक बार बार डेड हो जाता था जबकि बैटरी उसके अंदर फुल 100% तक भी रहती थी।
तो जब ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लग गई तो मैं सर्विस सेंटर में अपने फोन को लेके गया। वारंटी के अंदर वो डिवाइस था, एक साल के अंदर भी उस डिवाइस को नहीं हुआ था। तो जैसे ही मैंने फॉर्मेलिटी वगैरह वहां पे करी, फॉर्म वगैरह भरा, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो उन्होंने मेरे फोन को कम से कम जो उनका 2 या 3 मीटर दूर उनका स्टोरेज यूनिट था, जस्ट उन्होंने 40-45 हज़ार रुपए के फोन को जस्ट ऐसे ही थ्रो कर दिया। और मेरे साथ जो मेरा एक फ्रेंड था उसने चीज अपने आंखों से होती हुई देखी और वहां पे जाके हमारे जो काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी हुआ और मैंने वहां पे फाइनली अपना जो फोन है सबमिट वहां पे नहीं करा। और ये वाली प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ ही नहीं होती, उसके बाद मैंने काफी बार यूट्यूब में ऐसी वीडियोस देखी हैं कि सर्विस सेंटर वाले कुछ घपला कर रहे हैं और यहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप कभी सर्विस सेंटर आपको जाने की जरूरत पड़ती है तो पहले गूगल में उसके काफी अच्छे तरीके से रिव्यूज पढ़ लीजिए। ऐसे नहीं जैसे मैंने कहा कि नियरेस्ट वाला जो भी है उसके पास चले जाए, ऐसा बिल्कुल मत करना। सबसे अच्छे रिव्यूज जिसके आसपास के इलाके में जो होंगे, अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं या फिर अगर आपको दूसरी सिटी में भी क्यों ना जाना पड़े लेकिन उसके रिव्यूज अच्छे हैं तो वही वाले सर्विस सेंटर में आप जाइए, बाकी आपको दूसरे वाले सर्विस सेंटर में मेरे ख्याल से ट्राई नहीं करना चाहिए। और अगर आप अपने आईफोन को सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं और वहां पे आपको कॉस्ट काफी ज्यादा महंगी लगती है तो अगर आपका वारंटी में फोन है तो वहां पे सही हो जाता है, लेकिन अगर आपका फोन वारंटी के बाहर है और आपको काफी ज्यादा एक्सपेंसिव वो चीज लगती है तो काफी सारे लोग दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं कि लोकल मार्केट में वो जो है सस्ते में ठीक कराने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन आपको काफी ज्यादा केयरफुल इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा। कभी भी अपने आईफोन को छोड़ के वहां पे मत आइए शॉप के अंदर, क्योंकि आपके जो आईफोन के पार्ट्स हैं कब ओरिजिनल पार्ट स्वैप हो जाएं आपको पता तक नहीं चलेगा। तो इसलिए कभी भी अगर अपना आईफोन लोकल मार्केट वगैरह में सही कराना चाहते हैं तो अपनी आईज के सामने ही उसको सही कराए। तो ये मेरी आप सभी लोगों के लिए जो है वो पर्सनल एडवाइस रहेगी। आज की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों से ये बातें शेयर करी कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आपको आईफोन के अंदर देखने को मिलेगी अगर आप आईफोन लेने का प्लान करते हैं या फिर ऑलरेडी आप उसको परचेस कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं और इस वीडियो के अंदर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इसका सेकंड पार्ट मैं आप सभी लोगों के लिए बनाऊंगा आप सभी लोगों के कहने पे, जिसमें मैं शेयर करूंगा आप सभी लोगों के साथ कि क्या क्या एडवांटेजेस आपको आईफोन के अंदर देखने को मिलते हैं ओवर द एंड्रॉइड जो कि काफी ज्यादा है। अगर आपके पास कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन है और अगर आप उससे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पे मैं थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म, मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।